यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 60 से अधिक जिलों के 1100 से ज्यादा केंद्रों पर हुआ पहले राउंड का पेपर। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा छूटने के बाद लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर मची अफरा तफरी। बस पकड़ने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए अभ्यर्थी। सीट के लिए ड्राइवर साइड से ही बस में घुसे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन की तैयारी की खुली पोल। सोनभद्र में घर लौटने के लिए साधन की कमी से जूझते नजर आए परीक्षार्थी। आज बीजेपी देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृहमंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक। 25 अगस्त को सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पहले चरण की 9 सीटों पर मंथन। 5 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला। कहा सत्ता के लालच में हुआ है ये गठबंधन। कांग्रेस से पूछे गए 10 सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर लगाई रोक। एमवीए ने वापस लिया महाराष्ट्र बंद का फैसला। बदलापुर की घटना पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र बंद पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। कहा क्या नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं। महाराष्ट्र बंद पर कोर्ट के फैसले पर एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। ट्वीट कर कहा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश थी। यूक्रेन के दौरे से आज स्वदेश लौटेंगे पीएम मोदी। कीव में पीएम मोदी का किया गया शानदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी की राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक। मानवीय सहायता खेती मेडिसिन और कल्चर को ऑपरेशन बढ़ाने पर समझौता हुआ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक में कहा भारत हमेशा से ही शांति के पक्ष में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर बोला था ये युद्ध का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर कहा शांति समाधान को लेकर उनके कई विचार हैं। हम इस बारे में करेंगे बातचीत। भारत यूक्रेन का ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी। भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण समाधान पर दिया जोर। भारत ने यूक्रेन की मानवीय सहायता की। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को सौंपी BHI SHM मेडिकल क्यूब। कोलकाता रेप हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय का वारदात वाले दिन का वीडियो आया सामने। तीसरे फ्लोर पर नजर आया संजय रॉय। संजय रॉय के गले में ब्लूटूथ नजर आया। रेप हत्याकांड को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सीएम ममता पर निशाना। बोले अपना पलड़ा झाड़ने के लिए कर रही है बहानेबाजी। कोलकाता पुलिस ने सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ी। हाईकोर्ट ने आज कर अस्पताल में भ्रष्टाचार से जुड़े सारे मामलों की जांच अब CBI को सौंप दी है। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज प्रयागराज का दौरा करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। संविधान सम्मान सम्मेलन में होंगे शामिल। वहीं संविधान विषय पर होगी चर्चा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का केंद्र सरकार पर हमला। बोले संविधान के विपरीत काम कर रही है मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ की रायपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। रायपुर में सीएम ने किया शाह का शानदार स्वागत। वहीं कई कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। ईडी ने झारखंड के एक व्यवसायी बबलू खान को तलब किया। अलकायदा आतंकी मॉड्यूल के साथ संबंध होने का लगा बड़ा आरोप। अब तक 11 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना पर बोले धीरेंद्र शास्त्री देश को भारत ही रहने दे बांग्लादेश ना बनाए। भारत राम का राष्ट्र है शांति का राष्ट्र है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। सीएम को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। नेपाल सड़क हादसे में अब तक 27 भारतीयों की मौत। कई लोग घायल। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल हादसे पर जताया दुख। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। वहीं कहा हर संभव सहायता कर रहा है भारतीय दूतावास।
मोदी योगी की तारीफ करने पर पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, बहराइच का है पूरा मामला, पुलिस ने दर्ज किया FIR। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज राउज रेवेन्यू कोर्ट समन जारी करके देगा आदेश, लालू यादव तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को मिल सकता है समन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक और साथ ही साथ काम का भी बंटवारा, मनीष वर्मा को मिला ओडिशा का प्रभार। राजस्थान के राजस्व मंत्री ने ढिलाना भेरुनाथ मंदिर के खुले दान पत्र, 23 लाख रुपए निकले, 37 लाख रुपए कार्यालय से प्राप्त, एक कुवैत दिनार, 10 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी भी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में जन्माष्टमी मनाने के आदेश पर अब छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने फैसले पर जताया ऐतराज, पूछा फिर स्कूल में क्यों नहीं मनाई जाती। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी पर रहेंगे सुरक्षा के सख्त इंतजाम, डीजीपी ने दिए निर्देश। सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं, जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस बार भी टली, 5 सितंबर तक टली है सुनवाई। सेना ने एक्सप्लोडर और एग्निस्ट्रा के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में अहम है ये टेक्नोलॉजी। मणिपुर के काकचिंग में भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, राइफल, पिस्टल और 5 ग्रेनेड बरामद किए गए। नासा के अधिकारियों की आज अहम बैठक, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की वापसी पर लिया जाएगा बड़ा फैसला, करीब 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हैं दोनों। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया अलर्ट, तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी, मुंबई ठाणे पालघर जैसे इलाकों में होगी भारी बारिश। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश, निचले इलाकों में हालात बद से बदतर, कई घरों में घुसा पानी। एमपी के इंदौर में बारिश के बाद शहर के हालात बद से बदतर हुए, विजयनगर थाने में भरा पानी, वहीं सामान बचाते नजर आए पुलिसकर्मी। एमपी के इंदौर में भारी बारिश के बाद चौराहे पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, नगर निगम ने सभी जोनों को किया अलर्ट। राजस्थान के झालावाड़ में बस की चालक की लापरवाही की वजह से आफत में फंसे यात्री, फंती नदी के बीच पुलिया पर बंद हुई बस, ट्रैक्टर की मदद से बस को निकाला गया। यूपी के जौनपुर में बारिश की वजह से कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बनी चौकी झील में हुई तब्दील, आबकारी विभाग भी पानी में डूबा, लोगों की बढ़ रही है लगातार परेशानी। झारखंड के बोकारो में लगातार बारिश की वजह से तेनुघाट डैम के 2 फाटक खोले गए, दामोदर नदी का जलस्तर काफी बढ़ा, कई गांव के लोगों को प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। एमपी के झाबुआ में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से खेतों में घुसा बारिश का पानी, फसलें हुई चौपट, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, तहसीलदार ने 2 दिनों में समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। कोलकाता में बंगाली एक्ट्रेस पर हमला, आरोपी शख्स ने कार का शीशा तोड़ा, वारदात के वक्त कार चला रही थी पायल मुखर्जी। 2 युवकों ने सोशल मीडिया पर डाला धमकी भरा वीडियो, बोले नू में कांग्रेस विधायक मामन खान को वोट नहीं दिया तो मार देंगे गोली, एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार। रांची में सीएम आवास घेराव करने जा रहे बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने की पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख नौकरी को लेकर है आक्रोश। जेएनयू के छात्रों ने कई मांगों को लेकर शिक्षा मंत्रालय तक किया मार्च, पुलिस के साथ हुआ धक्का मुक्की, कई छात्र हिरासत में लिए गए। रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, अलवर के राजगढ़ स्टेशन पर पेट्रोल बोगी से लदी ट्रेन में लीकेज, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुकरे, उच्च अधिकारियों का दिया हवाला। राजस्थान के राजस्व मन में हुआ जी न्यूज की खबर का असर, 4 भुजा धार्मिक नगरी में रोड लाइट बंद रहने से जुड़ा है पूरा मामला, ग्राम पंचायत ने लिया एक्शन, रोड लाइटों को करवाया गया चालू। राजस्थान के डिडवाना में प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलटी, बस का मेन पता टूटने से हादसा, वहीं 2 यात्रियों की बस के नीचे दबने से मौत, 25 से 30 यात्री घायल। एमपी के पन्ना में बाइक सवारों को रौंदते हुए बस बेकाबू होकर पलटी, बाइक सवार की एक दर्दनाक मौत, वहीं लगभग 40 लोग इस मामले में घायल। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, स्कूल में अवैध रूप से गाड़ियों में की जा रही है गैस रिफिलिंग, हादसा होने की आशंका। धमतरी के स्कूल में तिलक लगाने के बहाने छात्रों के माथे से मिटाया गया तिलक, नाराज छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा, वीएचपी ने जताया विरोध। राजस्थान के गढ़सिंहपुर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, डोसे की प्लेट में निकले कॉकरोच, सीएचएमओ को दी गई जानकारी। राजस्थान के जयपुर में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, पटवारी समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 1,50,000 रुपये जब्त किए गए। बक्सर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख रुपए की शराब की गई बरामद, तस्करी करने के आरोप में ट्रक चालक हुआ गिरफ्तार।
यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग का बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने लिया एक्शन। कंगाल पाकिस्तान में आम जनता को एक और झटका, 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बंद की गई, 2.5 करोड़ से ज्यादा परिवार उठा रहे थे छूट का फायदा। पाकिस्तान में पुलिस टीम पर हुआ घातक हमला, पंजाब में हुआ अटैक, 11 पुलिसकर्मियों की इस पूरी घटना में हुई मौत। बांग्लादेश में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल, हजारों लोगों ने खाली किए अपने घर, राफ्ट बोट का किया जा रहा है इस्तेमाल। पश्चिमी बांग्लादेश में बाढ़ से बदतर हालात, कई लोगों के घर डूबे, लाखों लोग इसकी वजह से हुए प्रभावित। बांग्लादेश में बाढ़ से हालात बेहद खराब, जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 30 लोगों की मौत। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से मिली रेसलर विनेश फोगाट, दीपेंद्र हुड्डा और उनकी पत्नी भी मौके पर रही मौजूद। यूपी के लखनऊ में हनुमंत धाम दर्शन करने पहुंची लखनऊ फाल्कन की टीम, टीम के कप्तान भुवनेश्वर कुमार भी रहे मौजूद, कल से शुरू होगा यूपी T20 मैच। हिमाचल के कांगड़ा में होगा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया।